नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान पुलिस के लिए 5 दिन का दिन यानी आज का दिन वाकई यादगार माना जाएगा, और जिसकी वजह रही कि प्रदेश के पुलिस अधिकारी वीसी के जरिए खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत से रूबरू थे। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से पुलिस कर्मियों के सुसाइड और दबाव में रहने की बातें सामने आई थी, और जाहिर है कि सरकार के लिए भी ये चिंता की बात रही। सीएम अशोक गहलोत के बारे में माना जाता है कि वह प्रदेश में होने वाली हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं, और यही वजह रही कि इस बार उन्होंने प्रदेश पुलिस के लोगों से बातचीत करने की ठान ली। और इसी के साथ यहां दूसरी वजह ये भी रही कि कोरोना काल के इस लॉकडाउन के दौरान राजस्थान पुलिस की जो वर्किंग रही वो भी सराहनीय रही। प्रदेश पुलिस बेड़े के मुखिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री को राजस्थान पुलिस के हर एक उस काम को बताया गया जो उसने लॉकडाउन के दौरान किए। अब इसे सीएम की ओर से राजस्थान पुलिस को बधाई भी माना जा सकता है, और उनकी दुखती नस को टटोलने का जरिया भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत SHO लेवल तक के ऑफिसर से मुखातिब हुए, और इस बात को शायद ये अधिकारी कभी भूल भी नहीं पाएंगे। इस बार खासतौर पर निर्भया स्क्वाड की बात चली, और उसके बारे में भी सीएम को बताया गया, और वाकई ये जरूरी भी था कि जयपुर की महिला पुलिस का एक खास दस्ता जिसे निर्भया स्क्वाड का नाम दिया गया, लॉकडाउन के दौरान उसका काम हर शख्स ने सराहा, और देश भर में इसका काम चर्चित भी रहा। दरअसल इस वीसी में सीएम की कोशिश यही रही कि वो पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के दर्द को जाने, और कुछ बातें उन तक पहुंचाई भी गई, और फिर सीएम ने उन पर विचार भी किया। जाहिर सी बात है कि अगर खाकी का इकबाल बुलंद रखना है तो फिर उनके हाल भी जानने जरूरी होंगे, वो दर्द भी दूर करने होंगे जो राजस्थान की खाकी छिल रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सूबे के मुखिया अशोक गहलोत करीब करीब हर तबके से वीसी के जरिए मुखातिब हुए, और अब नंबर था राजस्थान पुलिस का। इस वीसी के जरिए सीएम ने पुलिस की तारीफ भी की, सीएम पुलिस पदक की घोषणा भी की, और जाहिर है कि जो भी अधिकारी बेहतर काम करेगा उसे ये इनाम भी मिलेगा। आज की इस वीसी में गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की हैं, तो जाहिर है कि फिर खाकी का इकबाल तो बुलंद होगा ही। नमस्कार।